हम उसी के लिए ज्ञापन देने आए हैं कि उन दरिंदों को फांसी की सजा दी जाए। दतिया जिला मुख्यालय पानी की किल्लत झेल रहा है। पेयजल समस्या को लेकर कांग्रेस जिला अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं ने नगर पालिका अध्यक्ष का पुतला जलाया और जल्द समस्या दूर नहीं हुई तो रात्रि जागरण की चेतावनी दी। दतिया शहर भीषण गर्मी के चलते भयंकर पेयजल समस्या से जूझ रहा है। नल जल योजना के तहत शहर में ठेकेदारों ने करोड़ों की पेयजल योजना व्यवस्था भ्रष्टाचार के चलते अव्यवस्था का आलम यह है कि शहर में 6 या 7 दिन में एक बार पानी की सप्लाई की जा रही है, वह भी सही तरीके से नहीं हो पा रही है। भीषण गर्मी में शहरवासियों को जबरदस्त पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। इसी के चलते कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने नगर पालिका के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने किला चौक से पैदल मार्च कर टाउन हॉल पर नगर पालिका अध्यक्ष का पुतला दहन किया, अध्यक्ष के घर का घेराव कर जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस जिला अध्यक्ष नाहर सिंह ने यहां तक चेतावनी दे डाली, यदि 2 या 3 दिन के अंदर जल समस्या नहीं निपटती है तो कलेक्टर बंगला और नगर पालिका अध्यक्ष के बंगले में बैठकर ढोल बजाकर रात्रि जागरण करेंगे, जिम्मेदारों को भी चैन से सोने नहीं देंगे। देखिए, पूरे शहर में इस समय आपको ही विदित है, हमारी पूरी जनता इस समय पानी के लिए त्राही त्राही कर रही है। पानी की कहीं कोई कमी नहीं है, अगर कमी है तो इच्छा शक्ति की और नियत की। ये नोटों के तले, नोटों के बोझ तले इतनी बुरी तरीके से दब चुके हैं कि इनको जनता की भावनाएं और इनको जनता की समस्या से कोई लेना देना नहीं है। पूरी भारतीय जनता पार्टी, और ये BSP से जीत कर गए थे, भारतीय जनता पार्टी में समर्थन दिया सुभाष अग्रवाल जी, इस साठगांठ में लिप्त हैं। ये पूरी जो है सेना मिल चुकी है और इनको यह याद रखना चाहिए कि अब सरकार कमलनाथ जी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है। हम जनता के हित के लिए इंच इंच लड़ाई लड़ेंगे, राहुल गांधी जी ने जैसा कि कहा था, और उसी के रूप में आज हम लोग ये विरोध प्रदर्शन करने आए हैं। और 3 दिन का अल्टीमेटम सुभाष अग्रवाल जी को दिया है, अगर 3 दिन में त्वरित कार्रवाई नहीं करते हैं, निर्णायक कार्रवाई नहीं करते हैं, तो आगे जाकर इनका हम सड़कों पर निकलना दूभर कर देंगे, क्योंकि हम जनता के प्रति जवाबदेह हैं। हमें पैसे से सत्ता का कोई नशा नहीं है। हम आज भी जनता की लड़ाई लड़ते थे, कल भी जनता की लड़ाई लड़ते हैं, और आगे भी जनता की लड़ाई हमारी कांग्रेस पार्टी लड़ती रहेगी। दतिया से राकेश सिसोदिया की रिपोर्ट।